मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास पे उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास स्थलों के लिए यात्रा शुरू की जाए। इन शीतकालीन प्रवास स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम के होटलों में रुकने पर किराए में 10% की छूट दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लोगों की अपेक्षाएं और आशाओं के अनुरूप राज्य को आगे बढ़ाने में राज्य सरकार द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश की देवतुल्य जनता के सहयोग से उत्तराखंड को हर क्षेत्र में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। सीएम ने निर्देश दिए कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सड़क दुर्घटना सुरक्षा नियमावली जल्द बनाई जाए। सीएम ने डीजीपी को निर्देश दिए हैं कि रात्रिकालीन गश्त बढ़ाई जाए और सड़क सुरक्षा की दृष्टि से सड़कों में पुलिस बल भी बढ़ाया जाए। देवभूमि उत्तराखंड को 2025 तक ड्रग्स फ्री राज्य बनाने के लिए संबंधित विभागों को गहन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही किराए पर रह रहे बाहरी लोगों का नियमित सत्यापन करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही जनपदों का भ्रमण और रात्रि प्रवास करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री जनसुनवाई के साथ ही विकास कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे।